कंज्यूमर कस्टमर सुनने में एक जैसा लगता है ना, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो कमोडिटी इसलिए परचेज करता है ताकि वो उसको आगे जाके रीसेल भी कर सके या यूज़ भी कर सके, लेकिन कंज्यूमर कमोडिटी इसलिए परचेज करता है ताकि वो अल्टीमेटली इसको सिर्फ कंज्यूम कर सके। कस्टमर जो है कमोडिटी को परचेज करने के बदले में मनी में पेमेंट ज़रूरी करता है, लेकिन एक कंज्यूमर ज़रूरी नहीं है इसके बदले में वो पेमेंट करे। कैसे? एग्जांपल के तौर में ए अगर ग्रोसरी सामान परचेज करके लाता है तो इस सिचुएशन में वो कस्टमर है, लेकिन ए सामान जो ग्रोसरी का परचेज करके लाया है वो खुद यूज़ नहीं करता, उसकी फैमिली यूज़ करती है, तो इस सिचुएशन में फैमिली कंज्यूमर होती है। तो फैमिली ने पेमेंट नहीं किया, ए ने पेमेंट किया, तो ए तो क्या हो गया? कस्टमर। लेकिन कंज्यूमर क्या हो गया? जो उसकी फैमिली है जिसने वो सामान यूज़ किया वो कंज्यूमर होगी, लेकिन वहाँ उन्होंने पेमेंट नहीं किया। अब ए अगर उस ग्रोसरी का सामान खुद भी यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो इस सिचुएशन में वो भी क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। सो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस।